गुड मॉर्निंग वेस्टीजियंस, आप सबका बहुत स्वागत है हमारे न्यू प्रोग्राम जिसका नाम है वीकली ई नॉलेज बाइट्स। ये हमारा इनिशिएटिव है आप सबको हमारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज, उनके बेनिफिट्स एंड उनके यूसेज के बारे में अवेयर करने का। हमारी इन बाइट्स के जरिए हमारा ये उद्देश्य है कि हम आपकी नॉलेज को किस तरह से अपडेट रख सके और आपको इन प्रोडक्ट्स का भरपूर बेनिफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों, और इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप घर पर ही अपने ब्यूटी सीक्रेट को डेवलप कर सकते हैं, एंड वो भी इन अ वेरी नेचुरल वे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि शादी और फेस्टिवल्स का सीजन चल रहा है, और हमारी ब्यूटी सर्विसेज जैसे कि फेशियल जैसी सर्विसेज को बाहर से लेना इट्स नॉट सेफ। तो क्यों नहीं आप अपना ग्लो घर पर अपने फेवरेट एश्योर नेचुरल फेशियल से पाएं। जी हाँ, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू हैव दैट ग्लो एट होम विद योर फेवरेट एश्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो चलिए आज हम एक क्विक फेशियल विद एश्योर नेचुरल के स्टेप्स को जानेंगे और घर बैठे ही अपने स्किन के ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। इसके लिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है जिससे हम अपना स्किन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जस्ट बाय फॉलोइंग दीज 4 स्टेप्स हम अपना फेशियल घर पर ही कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, एश्योर नेचुरल फेशियल फोम। ये प्रोडक्ट सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। दूसरे प्रोडक्ट जो इसके बाद यूज़ किया जाएगा वो है एश्योर नेचुरल फेस स्क्रब। तीसरा प्रोडक्ट जो हमें चाहिए है वो एश्योर नेचुरल मड पैक, एंड चौथा प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो है एश्योर नेचुरल डे क्रीम। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड एंड जानेंगे कि कैसे हम घर बैठे फेशियल जैसा ग्लो इन 4 प्रोडक्ट से पा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमें सबसे पहले शुरुआत करनी होगी एश्योर नेचुरल फेशियल फोम से। सबसे पहले स्टेप में हमें अपने फेस को अच्छे से क्लेंस करना होगा बाय द हेल्प ऑफ एश्योर नेचुरल फेशियल फोम। इससे होगा क्या, हमारे फेस का जो डर्ट और जितनी भी गंदगी है, इम्प्योरिटीज हैं, वो निकल आएंगी। हमें अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना होगा, इंक्लूडिंग द नेक, और फिर कोल्ड वाटर से उसे अच्छे से साफ कर देना होगा, या फिर आप उसको ल्यूक वॉर्म वाटर से भी साफ कर सकते हैं और पैट ड्राई करें एक टॉवल की हेल्प से। अब एश्योर नेचुरल फेशियल फोम से बेनिफिट क्या है, सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे, इसका बेनिफिट क्या है हमारी स्किन पे। क्योंकि ये एक स्मूथ फॉर्मिंग फॉर्मूला है, हमारी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ को हमारे चेहरे से निकालने का ये हेल्प करता है, डीप क्लेंस करता है हमारे चेहरे को, उसको ब्राइटन करता है एंड रिमूव द डलनेस फ्रॉम आवर स्किन। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है, इसके अंदर जो एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं फ्री रेडिकल्स को हमारे स्किन सेल्स को डैमेज होने से, जिससे कि हमारा कोलाजन और इलास्टिन को भी डैमेज होने से बचाता है। इसकी मदद से, इसके रेगुलर इस्तेमाल से हमारी जो स्किन के रिंकल्स हैं, प्रीमेच्योर एजिंग है, उसको हम कम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे चेहरे पे, काफ़ी टाइम हमने देखा होगा फेस वॉश से धोने के बाद हमारा मुँह काफ़ी लाल हो जाता है, ये उसको भी प्रिवेंट करता है। ये एक बहुत ही जेंटल एंड रिफ्रेशिंग स्किन फॉर्मूला है जो आपके चेहरे से इम्प्योरिटीज़ को दूर करता है, वो भी आपका नेचुरल मॉइस्चराइज़र को बिना छीने। तो सबसे पहले स्टेप में हम एश्योर नेचुरल फेशियल फोम से अपने मुंह को धोएंगे और उसको क्लीन करेंगे। डरिए जानते हैं स्टेप 2 में हमें क्या करना होगा। अब स्टेप 2 में हमें लेना होगा एश्योर नेचुरल के फेस स्क्रब को। हमारा जो स्टेप 2 होता है किसी भी फेशियल के लिए, वो होता है फेस स्क्रब,
या फिर एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन, जिससे कि काफ़ी हेल्प होती है और अब हम जानेंगे वो हमें कैसे करना होता है। हमें अपनी स्किन के ऊपर जितनी भी डेड स्किन सेल्स हैं उनको एक्सफोलिएट करना होता है। वो हम कैसे करेंगे, जिससे कि हमारे स्किन की जो डेड स्किन है वो निकल आए हमारे फेस के ऊपर से, कुछ भी जो डीप पोर्स में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर आ जाए एक्सफोलिएशन से। और इस प्रोसीजर से हमारे जो ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं या जो हमारी ड्राई स्किन पैचेस हैं, ये सब हम रिमूव कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें एश्योर नेचुरल का फेस स्क्रब लेना होगा। अपनी डैम्प स्किन जो हमने अभी फेस वॉश किया था उस स्किन के बाद हमें इसका एक अच्छा क्वांटिटी अपने हाथ में लेके हमें अपवर्ड सर्कुलेशन में स्किन के ऊपर, फेस स्किन के ऊपर मसाज करना होगा फॉर 3 to 5 मिनट्स, और स्पेशली अराउंड दी नोज एरियाज, क्योंकि हमारे नोज एरियाज पे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स का होना सबसे ज़्यादा पॉसिबल होता है, या फिर हमारे चिन एरियाज पे उस पे होना काफ़ी पॉसिबल होता है। एंड वी शुड अवॉइड एक्सफोलिएटिंग स्क्रबिंग नियर आवर आईज, क्योंकि हमारे आई का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, तो आईज के नीचे आप उसको अवॉइड कीजिए। आफ्टर डूइंग द मसाज विद द स्क्रब 3 to 5 मिनट में अपवर्ड सर्कुलेशन ऑन योर फेस, ऑन योर नेक, अब हम इसे एक साफ पानी से धो देंगे या आप इसको वेट टॉवल से भी उतार सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि एश्योर नेचुरल के फेस स्क्रब से कैसे स्क्रबिंग की जाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये स्टेप क्यों किया जाता है। एक्सफोलिएशन से हमारी स्किन के काफ़ी स्किन प्रॉब्लम्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इट रिमूव्स डर्ट, डेड स्किन एंड अदर सॉर्ट ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम आवर स्किन। किसी भी तरह के हमारे पोर्स के अंदर किसी भी तरह की गंदगी होगी, एक्सफोलिएशन स्क्रबिंग से हम उसे दूर कर सकते हैं। इससे हमारे जो स्किन के ऊपर हम कोई भी प्रोडक्ट को हम यूज़ करेंगे, ये हमारे पोर्स के अंदर उसका बेटर एब्जॉर्प्शन होने में मदद करता है। साथ ही साथ ये हमारे एक्ने और ब्रेकआउट्स, जिससे बेसिकली ब्लैक हेड्स होते हैं, उसको कम करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ अगर हमारी स्किन से डेड स्किन एंड डर्ट रिमूव हो जाते हैं तो ये हमारा नेचुरल ग्लो को इम्प्रूव करता है और हमारे स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। इट मेक्स आवर स्किन वेरी सॉफ्ट एंड सपल। ये प्रीमेच्योर एजिंग को स्किन से दूर करने में काफ़ी मदद करता है। एंड ऑफ कोर्स ये इनग्रोन हेयर, हमारे जो कभी कभी फेशियल इनग्रोन हेयर होते हैं हमारे फेस पे, ये उनको उगने से भी दूर करता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एश्योर नेचुरल फेस स्क्रब के क्या बेनिफिट हैं। क्योंकि ये फेस स्क्रब इतना ही नेचुरल गुडनेस से भरपूर है, जैसे कि रियल पपाया एक्सट्रैक्ट्स जो हमारे स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं और स्किन को सॉफ्ट सपल बनाते हैं। हम सब जानते हैं पपाया स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। अगर आप पपाया को खाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर द स्किन, एंड पपाया का जो स्क्रब है या उसका पैक है ये इक्वल ही गुड होता है ऑन आवर स्किन। ये एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है और ये स्किन के पिगमेंटेशन को भी क्लियर करता है और हमारे स्किन पे डार्क स्पॉट्स या किसी भी तरह के दाग धब्बों को भी दूर करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है और हमारे नेचुरल मॉइस्चराइजर को स्किन पे बनाए रखने में भी मदद करता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड एंड जानेंगे अब स्टेप 3 में क्या करना है। आफ्टर डूइंग द स्क्रबिंग विद एश्योर नेचुरल फेस स्क्रब, जब हमने एक्सप्लॉयट कर लिया अपने स्किन से इम्प्योरिटीज को दूर कर लिया, अब हमें अपने पोर्स को एक अच्छे से पैक से फिल करना होता है ताकि उसके अंदर और किसी किस्म की गंदगी ना जाए, और वो हम करेंगे हमारे तीसरे प्रोडक्ट ऑफ एश्योर नेचुरल, एश्योर नेचुरल मड मास्क से। तो आइए जानते हैं इसको करने का क्या तरीका है।
अब हमें एश्योर नेचुरल का मड मास्क लेना है। एक अच्छे अमाउंट में ये मास्क निकालें अपने हैंड पे या फिर भी किसी बोल में, या आप इसको लगा सकते हैं एक थिक लेयर अपने फेस और नेक पे बाय यूजिंग योर फिंगर्स, या फिर आप किसी पैक ब्रश से भी इसको लगा सकते हैं। एक थिक अमाउंट इस मड मास्क का आप अपनी स्किन के ऊपर अच्छे से लगाएं, इवनली ऑन योर नेक एंड ऑन योर फेस। अपनी आईज का एरिया प्लीज छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी भी किस्म के पैक को हम अपने आई एरिया में नहीं लगाते, वो इरिटेशन कर सकता है। अब हम इसको छोड़ देंगे फॉर 15 मिनट्स, और इसको हम या तो किसी वेट टॉवल की हेल्प से, या फिर ठंडा पानी हो, या फिर ल्यूक वॉर्म वाटर से हम क्लीन करेंगे और इसको ड्राई करेंगे। सो दिस इज द वे हम अपने एश्योर नेचुरल के मड मास्क को अप्लाई करेंगे फॉर 15 मिनट्स। अब ये करता क्या है, इसको अप्लाई करने के बाद क्या बेनिफिट होगा हमारी स्किन का? ये हमारी स्किन से ओवरऑल डलनेस को दूर करता है। जो अभी हमने एक्सफोलिएशन किया उससे हमारा स्किन टेक्सचर तो मेंटेन होता ही है, और मड मास्क क्या करता है, हमारी स्किन को फ्रेश और ब्राइट करता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, वो हमारे स्किन टोन को बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और ब्राइटन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि क्या खास है एश्योर नेचुरल के मड मास्क में। ये मड मास्क आपके चेहरे को कैसे ग्लो दे सकता है? जो एश्योर नेचुरल का मड मास्क है, ये डीपली नरिश और रिजुविनेट करता है हमारी स्किन को। इसके जो खास इंग्रेडिएंट्स हैं, विच इज सैंडलवुड एंड सिनेमन। आयुर्वेद में सैंडलवुड को त्वचा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट बताया गया है। ये हमारे स्किन के टेक्सचर, कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, जो है सैंडलवुड। और सदियों से ये इंग्रेडिएंट हमारे घरों में यूज होता आ रहा है। सो यू नो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितना नेचुरल है हमारा मड मास्क, जिसके अंदर सैंडलवुड और सिनेमन जैसी इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन और टेक्सचर को इम्प्रूव करती हैं, और इसको लगाने से हमारे पोर्स मिनिमाइज होते हैं और स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द फ्री रेडिकल्स, जिसकी वजह से हमारे एक्ने या और किसी किस्म की स्किन प्रॉब्लम्स होने की संभावना होती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड और जानते हैं हमारा फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप क्या होगा इस फेशियल को कंप्लीट करने में। अब हमने करा, सबसे पहले डीप क्लेंस किया, हमने उसके बाद स्क्रब यूज किया, फिर हमने उसको ऊपर हमारा मड पैक लगाया, और अब उस पैक को रिमूव करने के बाद अपना हाइड्रेशन को लॉक करने के लिए हमें फोर्थ स्टेप में यूज करना है एश्योर नेचुरल का डे क्रीम। यस फ्रेंड्स, एश्योर नेचुरल डे क्रीम, ये हेल्प करेगा हमारे हाइड्रेशन को, जो हमने इतने स्टेप्स किए हैं, उसको लॉक करने में। और ये क्रीम इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो कि हमारे चेहरे पे डेफिनेटली एक खूबसूरत सा नेचुरल ग्लो देगा। तो इस स्टेप में अब हमें क्या करना है, हमें अपने चेहरे पे, जो जैसे ही हमने अपना फेस वॉश किया, क्लीन किया मास्क के बाद, एक जेनरस अमाउंट लेंगे, एक अच्छे अमाउंट का क्रीम लेके अपने ओवरऑल फेस एंड नेक पे हमेशा अपवर्ड सर्कुलेशन में मसाज करना होगा फॉर मिनिमम 10 मिनट्स। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, इन ऑल डायरेक्शंस में आपको मसाज करना चाहिए, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऑन योर चीक्स, अंडर योर आईज, ऑन योर आईज एंड ऑन योर फोरहेड। तो इससे मसाज करने से आपके फुल चेहरे को एक अच्छा रिलैक्सेशन भी मिलेगा और पूरी तरह से इसको हाइड्रेशन मिलेगा, एंड इवन ऑन योर नेक इन द अपर डायरेक्शन, ऊपर की तरफ आप इसको अच्छे से मसाज कीजिए। अब अगर इसको मसाज करते करते आप थोड़ा सा ठंडा पानी इसके अंदर मिक्स करेंगे, तो ये और अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होगा। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि कोई भी क्रीम्स हैं, आपकी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होंगी अगर आपकी स्किन थोड़ी सी डैम्प होगी।
मतलब हल्की सी नमी होगी स्किन में, तो वो प्रोडक्ट आपकी स्किन में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। डैम्प स्किन पे जितने अच्छे से इफेक्टिवली प्रोडक्ट जो अंदर एब्जॉर्ब होते हैं वो आपकी ड्राई स्किन से ज़्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं। तो अगर आप वाटर के साथ इसको और कंटिन्यूसली मसाज करेंगे वो आपकी स्किन को डैम्प बना के अंदर तक के प्रोडक्ट को सोखेगा, तो एक बहुत ही अच्छा ग्लो देगा और आपके इस प्रोडक्ट इसको आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इसको करने के बाद जब ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आप इसको छोड़ दीजिए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स इमीडिएटली। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि हम डे क्रीम से फेशियल करके क्या फ़ायदा मिलेगा। जो हमारा डे क्रीम है एश्योर नेचुरल का, ये एक बहुत लाइट वेट फास्ट एब्जॉर्बिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन मोरिंगा एंड अमेजोनियन मुरमुरु बटर के एक्सट्रैक्ट्स हैं। ये अमेजोनियन मुरमुरु बटर जो है और मोरिंगा है, इनफैक्ट हमारे एश्योर नेचुरल के पूरी रेंज के जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम दुनिया भर से छांट के आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये हमारे स्किन सेल्स को रीजनरेट करता है और उनको लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देता है। ये आपकी स्किन में लॉन्ग लास्टिंग ग्लो रखेगा, उसको ड्राई नहीं होने देगा और उसको हाइड्रेट रखेगा और उसको हेल्दी प्लम फील देगा। ये आपकी स्किन को बहुत हेल्दी दिखाता है। अदरवाइज आपने देखा होगा ड्राइनेस एंड डलनेस हो जाता है अगर आप कोई नॉर्मल फेशियल करते हैं या क्रीम यूज़ करते हैं, नेक्स्ट डे आपको उसका रिजल्ट नहीं दिखता, बट यू विल सी अ गुड रिजल्ट्स विद दिस। और ये आपकी स्किन को साथ ही साथ में स्मूथ, सॉफ्ट और रेडियंट भी बनाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी इतनी नीमी सी प्लेजेंट फ्रेगरेंस है जो आपको बहुत रिलैक्स फील भी करवाएगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि इन चार प्रोडक्ट्स से आप घर बैठे ही बिल्कुल सेफ्टी के साथ कैसे अपना नेचुरल ग्लो पा सकते हैं। हमारे एश्योर नेचुरल का फेशियल आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ लेट अस नो कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से दूसरे प्रोडक्ट्स को भी मिक्स कर सकते हैं इसके अंदर। इन मड मास्क की जगह आप चारकोल मास्क यूज़ कर सकते हैं, डे क्रीम की जगह आप मल्टी फंक्शनल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। कि थैंक यू दोस्तों, और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीकली ई नॉलेज बाइट्स का कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, और मैं साथ ही साथ ये भी आशा करती हूँ कि आप इन बाइट्स को अपने डाउनलाइंस के साथ ज़रूर शेयर करेंगे टू मेक देम एंड टू मेक योरसेल्फ मोर नॉलेजेबल एंड अवेयर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वेरी एक्साइटिंग सेशन। और आपके कुछ भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं हमारे आज के सेशन से रिलेटेड, डू राइट अस इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो। थैंक यू, स्टे सेफ।